यार सीक्स का एनवायरनमेंट काफ़ी कंपेटिटिव था। एक चीज़ ये थी कि सीक्स ने रगड़ा काफ़ी लगाया था और वो एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब आप जर्मनी आते हो तो जो सीख से या जो नस से पढ़ा होता है उसके लिए इतना इशू नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि उसको पहले ही पता होता है कि रगड़ा लगता है। हमें नस के अंदर जाके इतना फील नहीं होता, बाहर बैठे पता है क्या, ओ भाई नस्ट है, पता नहीं क्या है। बंदे के कैलिपर पे डिपेंड कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी ना एक एक सर्टेन पार्ट प्ले करती है, वो मेरी नकी भाई से बात हो रही थी, वो पार्ट होता है उनका एलुमनाइ नेटवर्क। किसी कंपनी में किसी टेक्नोलॉजी में डाल दो वो निकल जाते हैं, निकल जाते हैं यार। उन्हें सिखा दिया है कि भाई अपने हालात का सामना कैसे करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ है नकी भाई, हम दोनों नस्ट के ग्रेजुएट हैं। तो अब नकी भाई हैं सीक्स के, मैं हूँ एससीएमई का, ठीक है। सीक्स वाले नस्ट वाले अगर आप हैं, आपको पता होगा कि बड़े ना ठीठे लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस नकी भाई का। नकी भाई ग्रेजुएट हैं 2019 में, ये आए थे 2015 में नस्ट के अंदर, और मैं 2015 में ग्रेजुएट हो चुका था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुनीब भाई इतने यंग स्मार्ट और जवान कैसे हैं। अच्छा नहीं सोच रहे, आगे चलते हैं फिर। नकी भाई एक्सपीरियंस बताएं यार, कैसा रहा आपका नस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस, किस तरह का था सीक्स का एनवायरनमेंट? यार सीक्स का एनवायरनमेंट काफ़ी कंपेटिटिव था। हर बंदा वहाँ पे यानी कि 80% यही है कि पढ़ो 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 पढ़ो, और यानी कि टाइम जो है ना, अगर तो आप इतने शार्प नहीं हो, क्योंकि आई वुड नॉट ब्रैग मैं इतना शार्प नहीं था, तो मेरा मोस्टली टाइम पहले साल हर टाइम पढ़ाई में असाइनमेंट्स आ रही हैं। क्योंकि बेसिकली जब आप एफएससी के बैकग्राउंड से आते हो तो एफएससी के अंदर ये होता है कि भाई आपने हर क्वेश्चन करना है, ठीक है, हर चीज़ करनी है आपने, फिर आप बोर्ड में जाके तीन तीन महीने आप उसकी रिवीजन कर रहे होते हो, तो आपको बड़ा झटका लगता है जब आप यहाँ पे पहले साल में आते हो, जब ओए लेवल वाले जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट उठाते हैं और आप कैल वन की एक्सरसाइज खोल के बैठ जाते हो, अगर 20 सवाल हैं तो 20 सवाल सारे ही करने हैं आपने। एक चीज़ ये थी कि सीक्स ने रगड़ा काफ़ी लगाया था और वो एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब आप जर्मनी आते हो तो जो सीख से या जो नस से पढ़ा होता है उसके लिए इतना इशू नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि उसको पहले ही पता होता है कि रगड़ा लगता है। जो सीख्स में ठीक ठाक रगड़ा लगता है, हर नस्ट में ही हर बंदे को तकरीबन लगता है। यानी कि अब जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं किसी से मिलता था जो मेरा दोस्त नहीं था, उन्होंने तीन तीन दफ़ा चार चार दफ़ा ट्राई की हुई थी नस्ट की, तो उनका नहीं हुआ। तो लेकिन ठीक है यार, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि जो ही नहीं है नस्ट में नहीं गए तो भाई लाइफ झंड है। नहीं भाई, इतने मेरे इधर उधर के ग्रेजुएट फिर रहे हैं और हमसे अच्छा कर रहे हैं यार वो लोग, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते तो वो कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता लगता है यार ये बंदा है, इसकी फ्री लॉन्सिंग प्रोफाइल देखो, अपवर्क पे 200K मारा हुआ है उसने, और पढ़ा किधर से है जी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, ये सीन है। वो बंदे के कैलिपर पे डिपेंड कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी ना एक एक सर्टेन पार्ट प्ले करती है, वो मेरी नकी भाई से बात हो रही थी, वो पार्ट होता है उनका एलुमनाइ नेटवर्क का। सिर्फ एलुमनाइ और ग्रूमिंग थोड़ी सी यानी के, और बस ये चीज पार्ट प्ले करती है। जो पढ़ाई होती है वो सेम ही है, वो सेम ही है, 19-20 का फर्क होगा, उससे कम का नहीं होता। और ये कोई इतना फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है, मैं नस से पढ़ाऊँ मैं ये पढ़ाऊँ, नहीं भाई ये कोई शोधियाँ मारने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है नस्ट में हो गया, लेकिन भाई बाकी इंसान है अच्छे खासे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, और बड़े यार ठीठे ठीठे और बड़े लाइक तेज़ किस्म के लोग होते हैं। यूटी वाले देख लो, जीकी वाले, पीयू, इकरा यूनिवर्सिटी से तेज अच्छे ग्रेजुएट्स निकलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी की बेस पे बंदे को जज कर रहे हो, आप बंदे की नेचर या उसकी कैपेबिलिटी के लिहाज से जज करो। मैं जज करना क्यों है यार, मतलब अपने काम से काम रखो। हमें जज की बड़ी आदत होती है, भाई ये है वो है, पर घंटा फ़र्क पड़ता है, उसे बेचारे को लाइफ जीने दो। इसी तरह इवन तुम नस्ट के 3.1 हो और या जीकी के 3.1 हो, और अगर तुम कॉम सेट्स के 3.8 हो, दे वुड प्रेफर कॉम सेट्स, दे टोटली जज ऑन GPA। और पता है कि जिसका यानी कि जीकी का 3.1 भी, जीकी का 3.1 भी यानी कि एक अचीवमेंट है इन सेल्फ। फास्ट के CS कमाल ले, ये फास्ट वालों को यार इतने लेवल के बॉयज हैं यार, वो जो उनको रगड़ा लगा है ना 2 से 3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको कहीं भी डाल दो, किसी कंपनी में किसी टेक्नोलॉजी में डाल दो वो निकल जाते हैं, निकल जाते हैं यार। उन्हें सिखा दिया है कि भाई अपने हालात का सामना कैसे करना है। वो इसे शेयर करो किसी भी यूनिवर्सिटी की ओर से, शेयर करो UET वालों, लम्स वालों, GK वालों, ताकि अगर आपका नस्ट में नहीं भी होता तो यार इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगेन यही बात है कि किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, डिग्री लो कुछ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी का यानी कि बैचलर से ही प्लान है ना, किसी ने जर्मनी में आना है, तो भाई तो नस्ट ना जाओ, तुम जाओ कॉम सेट्स, पुठे मशवरे दे लो भाई क्या कर रहे हो यार, नस्ट नस्ट वाले कहेंगे हमारी मार्केट बिगाड़ दो, 3.9 लेके तुम इधर आओ, तुम्हें टुम में भी एडमिशन मिलेगा, हर जगह एडमिशन मिलेगा।
और यानी कि लेकिन सीन हो जाएगा। लेकिन ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अब पता लग गया कि यार नष्ट वहाँ की टॉप टीयर यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी को पता था। हाँ, उनको पता था वो, उन्होंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ उनको लिस्ट में नहीं डालते थे, वो प्रेफर करते थे नष्ट वाला आ रहा है, क्योंकि एक अलुमनाई नेटवर्क बिल्ड हो गया था ना। उन्होंने ख्याल ये सीन है कि जर्मनी में भी इतनी अलुमनाई नहीं है, तो इनको इतना पता नहीं है, तो ये अब पता लग रहा है, क्योंकि हर जगह नष्ट के पहुँचे हुए हैं। आने वाली चीज़ में चेंज हो जाएगी, क्योंकि नष्ट के ही बच्चे आते हैं मोस्टली, बहुत बच्चा आ रहा है यार नष्ट का, इतना बच्चा है यहाँ पे कि काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे ना नस्टिन बॉयज काफ़ी बैठे हैं। पहले यानी कि ट्रेंड था कनाडा, यूएसए और यूके, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब और जर्मनी इन है यार गेम में इन। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, उम्मीद है पसंद आया होगा। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।